हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, रमज़ान ट्रांसमिशंस इस बार हर चैनल पर हो रही हैं हर बार की तरह, लेकिन इस बार ग्रीन चैनल पर भी जो नया चैनल है रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है और होस्ट हैं नादिया खान और उनके साथ को होस्ट हैं एजाज़ असलम। एजाज़ असलम को तो पसंद किया जा रहा है मगर नादिया खान पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि नादिया खान को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता हुआ देखा जा रहा है। नादिया खान ना गेस्ट को बात करने देती हैं और लोगों का ख्याल है कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं लग रही, ये लग रहा है कि जैसे मॉर्निंग शो को शाम के वक्त लगा दिया है। रमज़ान के कोई फ्लेवर नहीं है, कोई बात नहीं है रमज़ान की। एक्टर्स को बुलाया जाता है, उनके ड्रामों को और फिल्मों को डिस्कस किया जाता है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्कस किया जाता है और नादिया खान बहुत ज़्यादा अनोइंग है। एजाज असलम की भी वो इंसल्ट कर देती हैं और गेस्ट की भी वो बात काटती हैं। एक प्रोग्राम था जिसमें शाइस्ता लोधी को बुलाया गया, एजाज असलम दोनों नादिया खान और शाइस्ता लोधी को प्रेस कर रहे थे जबकि नादिया खान और शाइस्ता लोधी सुन रही थी लेकिन साथ में देखने वालों को क्रिटिसाइज कर रही थी, जो व्यूवर्स हैं, जो उनको देखते हैं, जो उनके फैंस हैं। एक प्रोग्राम में इन्होंने महमूद असलम को भी बुलाया था और महमूद असलम से नादिया खान पूछ रही थी कि अगर औरतों से बात करनी हो आपको ये प्रिटेंड करना है कि मर्द से कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे और औरतों से बात करते हुए कैसे बात करते हैं, तो वो बता रहा था कि औरतों से बात करते हुए आवाज़ को थोड़ा सा भारी कर लेना चाहिए। और नादिया खान कहती है कि जब मेरी शादी फैसल से हुई तो उनकी आवाज़ भी ऐसी थी लेकिन अब उनकी आवाज़ ऐसी नहीं रही, शायद वो कॉन्शियस हो के मर्द इस तरह की बात करते हैं। मतलब ये सब क्या बेहूदगी रमज़ान ट्रांसमिशन में डिस्कस हो रही है कि किस तरह से औरतों से बात करनी है उनको इम्प्रेस करने के लिए, समझ से बाहर है। दूसरी जानिब पीटीवी पे एहसन खान और राबिया आनम भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैंने जब भी वो रमज़ान ट्रांसमिशन लगाई है कभी बच्चों को इस्लामी किस्से सुनाए जा रहे होते हैं, कभी इस्लामी बातचीत हो रही होती है, कभी नाते पढ़ाई जा रही होती हैं, मतलब पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन का एक फ्लेवर है, पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन की वाइब्स हैं जो एक्चुअल रमज़ान ट्रांसमिशन होती है। लेकिन नादिया खान की रमज़ान ट्रांसमिशन तो बिल्कुल भी रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं लग रही और नाम भी यही है कि लाइव ग्रीन है, नाम भी रमज़ान की मुनासबत से नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।